रात के तकरीबन 3 बजे थे। अंधेरी रात थी। शिनचैन चॉप आराम से जंगल जा रहे थे क्योंकि आज रात वहाँ ये कछुआ पकड़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने फ्रैंकलिन को बिना बताए जा रहे हैं, जो कि इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चॉप यार, बिल्कुल भी आवाज मत करना। फ्रैंकलिन भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनका स्कूटर लेके जंगल जा रहे हैं। अरे गाइस यार, ये क्या, आप सभी को तो मैंने देखा ही नहीं। कैसे हो आप लोग? और आप लोग सही सोच रहे हो, चॉप और मैं फ्रैंकलिन भाई का स्कूटर लेके जंगल जा रहे हैं। क्योंकि गाइस यार, मेरे स्कूल के दोस्त ने मुझे बताया कि लॉस सैंटोस के जंगल में एक कछुआ रहता है और वो इंसानों की कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए चॉप और मैं उस कछुए को ढूंढने जा रहे हैं यार, ताकि वो कछुआ हमारी 3 इच्छा पूरी कर दे। तो इसी के साथ चॉप और शिनचैन निकल जाते हैं लॉस सैंटोस के जंगल में। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि इन्होंने फ्रैंकलिन को ना बता के कितनी बड़ी गलती करी, क्योंकि जंगल में जो इनके साथ होने वाला है वो इन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे गाइस यार, ये देखो, फाइनली चॉप और मैं जंगल में आ चुके हैं। अब हमें कैसे भी करके उस वाले कछुए को ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम दोनों की 3 इच्छाएं पूरी हो जाएं। और गाइस यार, तुम लोग देख रहे हो ये वाला जंगल कितना ज्यादा घना है। और देखते ही देखते ये दोनों एक गांव के पास आ जाते हैं, जो कि 200 साल से वीरान पड़ा था। अरे गाइस यार, ये क्या, सामने में तो मुझे एक गांव दिख रहा है। अरे चॉप यार, मुझे तो लगता है वो कछुआ इसी गांव के अंदर होगा यार। अरे हाँ गाइस यार, वो कछुआ पक्का इसी गांव के अंदर रहता होगा। तो चॉप एक काम करो यार, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। अरे वाह गाइस यार, ये वाला गांव तो अंदर से कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे आते ही गांव के अंदर आग कैसे लग गई। अरे गाइस यार, ये तो बहुत अजीब सी बात है, लगता है कि वो जादुई कछुआ इसी गांव के अंदर रहता है। और एक सेकंड गाइस यार, ये मेरे सामने क्या है? अरे गाइस यार, ये क्या, ये तो इंसानों की हड्डी है। अरे गाइस, मुझे तो यहाँ पे पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है कि यहाँ पे वो कछुआ रहता है। लेकिन गाइस यार, ये सारी इंसानों की हड्डियाँ यहाँ पे क्या कर रही है? लेकिन शिनचैन चॉप इस बात से अनजान है कि इन दोनों को वो एक धारिन कछुआ देख रहा है, जो कि इंसानों की मदद नहीं उन्हें जान से मार डालता है। लेकिन अपने शिनचैन और चॉप इस बात से अनजान है कि उन दोनों के पीछे वही कछुआ खड़ा है, जो कि इन्हें जान से मारने वाला है। और ये क्या, इसने तो अपने चॉप को कंधे पे बिठा लिया और अपने शिनचैन को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और देखते ही देखते ये तो अपने चॉप को उड़ा के ले गया। लेकिन गाइस यार, ये अपने चॉप को कहाँ पे लेके जा रहा है? लगता है कि अपना चॉप बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और ये क्या, जिस बात का डर था वही हुआ, ये मार्शल तो अपने चॉप का खून चूसने लग गया। लगता है कि अपना चॉप मारा गया। अरे गाइस यार, ये क्या, ये किस चीज की आवाज थी? और एक सेकंड, ये चॉप कहाँ पे गया? अरे चॉप मेरे भाई, तुम कहाँ गए यार? अरे चॉप, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना चॉप मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? अरे गाइस यार, ये क्या, अपना चॉप कहाँ पे गया? और एक सेकंड, ये हड्डी यहाँ पे आगे कैसे आ रही? और ये क्या गाइस यार, ये हड्डियों के पास कौन खड़ा है? अरे कौन है तुम, और तुमने मेरे चॉप को कहाँ छुपाया है? और ये क्या, देखते ही देखते ये मार्शल तो अपने शिनचैन का भी खून पीना चालू कर देता है। लगता है कि चॉप और शिनचैन दोनों मारे गए। एक सेकंड गाइस यार, ये चॉप और शिनचैन कहाँ है? चॉप शिनचैन, अरे गाइस यार, ये चॉप और शिनचैन गए कहाँ सुबह सुबह? लगता है कि दोनों घर के बाहर खेल रहे होंगे। अरे गाइस यार, ये क्या, ये दोनों तो घर के बाहर भी नहीं है, लेकिन ये दोनों सुबह सुबह जा कहाँ पे सकते हैं? अरे हाँ गाइस, एक काम करता हूँ, दोनों के फोन का GPS चेक करता हूँ। अरे गाइस यार, ये क्या, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शिनचैन और चॉप की लोकेशन तो लॉस सैंटोस के जंगल से आ रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों जंगल में कर क्या रही है। अरे गाइस यार, मुझे कैसे भी करके लॉस सैंटोस के जंगल में जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से अपन लोग शिनचैन और चॉप के पास चलते हैं। और गाइस यार, तुम लोग देख रहे हो लॉस सैंटोस में कितनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है। लेकिन गाइस यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि शिनचैन और चॉप जंगल में कब गए, और गए तो किस काम से गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं रात में सो रहा था वो दोनों जंगल में चले गए हो? और वेट अ सेकंड गाइस यार, गैराज के अंदर मेरा स्कूटर भी नहीं था, लगता है कि वो दोनों मेरा स्कूटर लेके गए हैं। अब मुझे कैसे भी करके लॉस सैंटोस के जंगल में जाना पड़ेगा, मुझे तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और इसी के साथ फ्रैंकलिन निकल पड़ता है जंगल।
जंगल की तरफ ताकि ये अपने शिनचैन और चॉप को ढूंढ सके। लेकिन फ्रैंकलिन इस बात से अनजान है कि शिनचैन और चॉप तो पहले ही मारे गए। अरे गाइस यार ये क्या, मुझे तो अपने चॉप की लोकेशन यहाँ से आ रही है, लेकिन ये तो 200 साल पुरानी फैक्ट्री है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। अरे गाइस यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अपने शिनचैन और चॉप ऐसी जगह पे क्या कर सकते हैं, और उन दोनों को गायब हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन गाइस यार उन दोनों का ना फोन आया ना कुछ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और एक सेकंड गाइस यार, सामने में मुझे कोई आग जलती हुई दिख रही है, लेकिन एक सेकंड ये सब क्या है? अरे गाइस यार ये सारी तो इंसान की हड्डियां हैं, लेकिन इतनी सारी इंसान की हड्डियां यहाँ पे कर क्या रही है? पक्का गाइस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तभी यहाँ पे इंसान की इतनी सारी हड्डियां हैं। और वेट ए सेकंड गाइस यार ये क्या है? ये तो अपना चॉप है, लेकिन अपना चॉप यहाँ पे क्या कर रहा है? और अपने चॉप को हुआ क्या है? चॉप मेरे भाई, मेरे दोस्त, जल्दी उठना। अरे नहीं नहीं चॉप मेरे भाई जल्दी उठ। गाइस यार ये क्या, अपने चॉप की तो किसी ने आंख ही निकाल ली। लगता है कि अपने चॉप को यहाँ पे किसी ने बहुत गंदी तरह मारा है। लेकिन गाइस यार ऐसा नहीं हो सकता, अपना चॉप हमें छोड़ के नहीं जा सकता। गाइस यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चॉप मुझे छोड़ के ऐसे जाएगा, लेकिन जिसने भी मेरे चॉप की ऐसी हालत करी है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको मैं जान से मार डालूंगा। लेकिन अपनी चॉप की लाश तो यहाँ पे है, तो अपना शिनचैन कहाँ पे जा सकता है? एक काम करता हूँ, जल्दी से अपनी शिनचैन की लोकेशन पे ट्रैक करता हूँ। अरे गाइस यार मुझे शिनचैन की लोकेशन काली पहाड़ी के पीछे से आ रही है, मुझे कैसे भी करके अपने शिनचैन के पास पहुँचना ही पड़ेगा। अरे नहीं गाइस यार मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे भी करके अपने शिनचैन को बचा के रहूंगा। शिनचैन मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ फ्रैंकलिन निकल जाता है शिनचैन को बचाने के लिए। लेकिन बेचारा फ्रैंकलिन इस बात से अनजान है कि अपना शिनचैन तो चॉप की तरह पहले ही मर चुका है। अब देखना ये है कि अपना फ्रैंकलिन क्या करता है। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।